फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वर गुड. सो एज इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट लेसन नंबर 3, जिसमें मैंने आपको बताया था खाने के बारे में. फूड सबको समझ में आ गया होगा. हम लोगों ने इस फूड में क्या क्या पढ़ा था? हमने इसमें 3 काइंड्स ऑफ फूड पढ़े थे, जिसमें 3 में से पहला होता है आपका एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड बॉडी बिल्डिंग फूड एंड द थर्ड प्रोटेक्टिव फूड. मैंने आप लोग को कल एक और चीज़ बताई थी, वी गेट फूड फ्रॉम गुड प्लांट्स एंड एनिमल्स. हमें 2 सोर्सेस से खाना मिलता है, ठीक है? सोर्सेस का मतलब मैंने आपको बताया था ज़रिए. तो हमें किसके ज़रिए खाना मिल रहा है? प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू खाना मिलता है. तो आज हम पढ़ेंगे कि हम एक दिन में कितनी बार खाना खाते हैं. सबको पता होगा हम लोग कितनी बार खाना खाते हैं. हम लोग अब पूरे टाइम तो नहीं खाते रहते हैं कि हम लोग सुबह दो मतलब में खा रहे हैं, बस खा रहे हैं खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. हम लोग कब कब खाते हैं? 3 बार खाते हैं. इंपॉर्टेंट मील्स हमारी जो होती हैं वो 3 होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो अब हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. ओपन योर पेज नंबर 15. आई एम रीडिंग इट, यू जस्ट रिपीट इट आफ्टर मी. वी मस्ट हैव आवर फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसका मतलब क्या होता है कि जो खाना होता है वो हम इंटरवल्स ऑफ टाइम में खाते हैं. अब ये इंटरवल वो नहीं है जैसे स्कूल में आपका लंच होता है. कह सकते हैं कि क्योंकि हम लोग काफ़ी पढ़ाई करने के बाद हमारा जब लंच टाइम होता है स्कूल में, तो वो स्पेसिफिक टाइम पर होता है. ये उसी के अकॉर्डिंग है. जब हम घर में खाना खाते हैं तो हम टाइम पीरियड के हिसाब से खाते हैं. सुबह जब हम लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं. फिर हम तुरंत उस ब्रेकफास्ट करने के बाद भी कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम ब्रेकफास्ट खा चुके हैं उसके बाद भी हम खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा पेट भर जाता है, फिर हम क्या खाते हैं? दोपहर में आफ्टरनून के टाइम लंच करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम रात के समय सोने से पहले डिनर करते हैं, ठीक है? तो दीज आर द 3 बेसिक और इम्पॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आर द 3 इम्पॉर्टेंट मील्स ऑफ द डे. इट इज़ क्लियर टू ऑल? All right, we continue with the next. First one is breakfast. So, breakfast is the first meal of the day. We eat breakfast in the morning. Is that clear to all? हम लोग breakfast कब करते हैं? Morning में करते हैं. और ये हमारी सबसे पहली meal होती है. Second है lunch. लंच इज़ द मील वी ईट इन द आफ्टरनून. ऑल राइट, लंच इज़ द सेकेंड मील एंड इट इज़ यूज टू ईट इन द आफ्टरनून. लास्ट एंड द थर्ड वन इज डिनर. डिनर इज़ द मील वी ईट एट नाइट. ये सबको पता होगा. अब आपको ये क्लियर हो गया होगा. दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट बेसिक मील्स ऑफ द ह्यूमन बींग, ठीक है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ. इसी के बेस पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अच्छे से समझा देना चाहती हूँ कि आपका जो मेन होमवर्क होगा वो ये है कि आपको कल जितने भी आपके घर में ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपको पता होगा ग्रीन वेजिटेबल्स क्या होते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं, वो ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपने घरों में इकट्ठा करेंगे. जैसे मैंने आपको यहाँ इतनी सारी वेजिटेबल्स इकट्ठी करके दिखा रही हूँ, उसी तरह आप अपने घर में अपने फ्रिज से अपनी मम्मा के थ्रू हेल्प लेकर कलेक्ट करेंगे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपके घर में होंगी, ठीक है? उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स लेने के बाद उन सबको आप ऐसे लगा करके उसमें नाम मेंशन करेंगे कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल शो करी है पिक्चर के थ्रू.
उसी तरह आप सारी सब वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को ऐसे लगाओगे, उसकी पिक क्लिक करोगे और उसको क्लास के ग्रुप में भेजोगे, और उसी में आप नीचे मेंशन करोगे कि आपने कौन कौन सी ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करी हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है। इट इज़ जस्ट लाइक अ एक्टिविटी जो कि आपको कल पार्टिसिपेट करके ग्रुप में सबको दिखानी है, और ये एक्टिविटी सबको करनी है। आपको इसको करने में बहुत मज़ा भी आएगा जब आप करेंगे, ठीक है? तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या-क्या लिया हुआ है। आपको दिख रहा होगा इट इज़ अ फ्रूट, या ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका बनाना जो कि क्या होता है, फ्रूट होता है, ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा इट इज़ अ पोटैटो, जिसे हम हिंदी में आलू भी कहते हैं, ठीक है? ये आपका क्या हो गया, इसको परवल कहा जाता है, ठीक है? आपके घर में होगा, आपके मम्मी पापा को भी पता होगा, ठीक है? ये हो गया, ये आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग टिफ़िन में भी खाते होंगे, ये है भिंडी, ठीक है? भिंडी इन द सेंस कि इसको लेडी फिंगर भी कहते हैं। इसके साथ ये है आपका अनियन, ठीक है? इसको प्याज कहा जाता है। ये है आपका लेमन, लेमन क्या होता है, यस, नींबू। एंड व्हाट इज दिस, ये आपको पता है क्या है, ये लीव्स नहीं है, ये है मिंट लीव्स, जिसे हम पुदीना कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड, पुदीना, ठीक है? फिर ये, अब ये क्या है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि ये तो बहुत तीखी होती है ना? ये है आपकी चिली, जिसे हम हरी मिर्च कहते हैं। ये हो गई, ये सबको पता होगा, ये तो टमाटर है, जिसे हम टमाटो भी कहते हैं। एंड द लास्ट, ये सॉरी ये एक्चुअली कटी हुई है, ये है आपका बॉटल गॉड, ठीक है? दीज आर सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट आई एम शोइंग यू। यू जस्ट हैव टू कलेक्ट ऑल द ग्रीन वेजीज फ्रॉम योर होम एंड शो इट टू मी बाय क्लिकिंग द पिक्चर ऑफ इट एंड टेल मी द नेम्स, व्हाट आर द ग्रीन वेजीज यू आर यूजिंग इन द पिक्चर। ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? इज़ दैट क्लियर टू ऑल? प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, देखा करिए, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तभी पूछा करिए। कोई ड्रॉ नहीं करना होता है आपको कुछ, जब मैं आपको ड्रॉ के लिए बोलूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कब ड्रॉ करना है, ठीक है? बाकी ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। आई एम राइटिंग द होमवर्क, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको होमवर्क लिख के भी बता दे रही हूँ। टुमारो डेट आपकी हो जाएगी ऑन 19th, यू ऑल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एन एक्टिविटी इन विच यू ऑल हैव टू कलेक्ट ग्रीन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रॉम योर होम एंड टेक अ पिक्चर ऑफ इट एंड सेंड इट
in the class group with their names. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको समझ में आ गया होगा. इसमें आपको एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करना है. आपको एक मतलब जिस पूरी जितने भी आपके घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होंगे ग्रीन कलर के, उन्हें कलेक्ट करना है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके नीचे लिख के भेजना है कि आपने कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पिक्चर में भेजे हैं. ठीक है, और आप लोग एक्टिविटी करते हुए भी अपनी कुछ पिक्चर्स भेज सकते हैं. ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.